बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के IMS एग्जीक्यूटिव हॉल में होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर BZU मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अमीन थे। इस मौके पर एंकर पर्सन, न्यूज एंकर, कलम निगार और शायर भी मौजूद थे। उनका कहना था कि रिपोर्टर या एंकर को सच्ची बात करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से आजकल मीडिया गुलाम बनता जा रहा है। 10 स्क्रीन लगाए, 10 टॉपिक्स देखे, वो 10 टॉपिक आपको बता देंगे कि कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। सो आप वहाँ पे फेयर ट्रायल की बात कैसे करेंगे, फेयर मीडिया की बात कैसे करेंगे? जमहूरियत का हुसन जो होता है वो एक आज़ाद मीडिया होता है। अगर मीडिया को इजाज़त नहीं होगी कि वो इस जमहूरियत में मौजूद लोगों की, सियासतदानों की बातों को आगे लेकर आए, तो फिर वो जमहूरियत नहीं होगी। सेमिनार में तुलबा और तालबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में नौजवान शायर, लिखारी और एंकर पर्सन वकास अजीज, न्यूज एंकर मुनीरा वकास, तजिया नगार एंकर पर्सन जवाद अब्बासी, रोही के प्रोग्राम न्यूज नाइट के एंकर पर्सन आदिल निजामी शरीक थे। शुरुआत ने कहा कि एक अच्छे रिपोर्टर और एंकर को हर चीज का इल्म होना चाहिए, लेकिन आजकल का तालिब इल्म अखबार से दूर होता जा रहा है। कुछ ऐसे पैरामीटर जरूर बनाने चाहिए कि जिसमें मीडिया जो है उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास आए, एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग हो और एक सेल्फ डिसिप्लिन रिपोर्टिंग हो। सेमिनार के आखिर में एंकर पर्सन वकास अजीज के नावल एंकर की रुनुमाई भी की गई। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद आसिम, मुल्तान।